2 साल बाद यानी कि रविवार को एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की शुरुआत होने जा रही है। लगभग 2 साल बाद एक बार फिर पूरे धूमधाम के साथ इस मेले की तैयारियां की जा रही है। ऐसे में खबर है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन करने नहीं पहुंचेंगे, उनकी जगह अब सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मेले का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक छठ पूजा के दौरान गंगा घाट निरीक्षण में लगी चोट से ठीक तरीके से उबर नहीं पाए हैं। इस कारण उनकी तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि वो इस बार भी सोनपुर मेले का उद्घाटन करने नहीं जाएंगे। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार के मेले का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 साल बाद वापस से सोनपुर मेले का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब सोनपुर मेले का उद्घाटन राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे। पर्यटक विभाग के मुख्य सांस्कृतिक पंडाल में आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिले के प्रभारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह करेंगे। गौरतलब हो कि इस बार सोनपुर मेले का आयोजन 7 दिसंबर तक पर्यटक विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। मेले के उद्घाटन समारोह को आकर्षक और भव्य स्वरूप देने के लिए जिले के डीएम राजेश मीणा सहित वरीय पदाधिकारी अभी से ही सोनपुर में कैंप किए हुए हैं। पदाधिकारियों का दावा है कि इस वर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी व उन्हें इस मेले में नयापन भी नजर आएगा। इस वर्ष 35 लाख पर्यटकों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं 2 साल बाद लगने वाले इस मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।